पाकिस्तान के आईन और कानून को मान के और उसके सामने अपना सर निगू करके चलेगा, हम उसके साथ चलेंगे, वरना हमने पहले भी लड़े हैं फिर भी लड़ लेंगे। वजीर इत्तिलात फवाद चौधरी कहते हैं कलदम टीटीपी के बारे में मौकिफ वाज़ह है, वो कानून के मुताबिक चले तो ठीक वरना पहले भी लड़े थे अब भी लड़ेंगे। असेंबली के अंदर भी आवाज उठाते रहेंगे, वो चाहे कितनी दफा बोलते रहें कि तुम माइनॉरिटी हो, कौमी असेंबली के अंदर सेनेट के अंदर हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर आवाज उठाएंगे। और वो इसलिए आवाज उठाएंगे कि ये सूबाई खुद मुख्तारी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के आईन की खिलाफ वर्जी हो रही है। चाहे जितनी बार भी अकलियत पुकारो आवाज उठाते रहेंगे। असद उमर ने सिंध हुकूमत पर वाजे कर दिया, कराची में पीटीआई ने स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई, सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई, 19 दिसंबर को एहतजाज का ऐलान कर दिया। जाहिल अपोजिशन से पाला पड़ा है और मैं बिल्कुल सही कह रहा था, जाहिल अपोजिशन अपनी अमेंडमेंट्स नहीं देती, गालियां देती है, तो ये जहालत की निशानी है। उनको मैंने माइनॉरिटी कह दिया तो उन्होंने समझा कि मैं उन्हें गैर मुस्लिम कह रहा हूँ शायद, पर हुकूमत में एक मेजॉरिटी पार्टी होती है एक माइनॉरिटी पार्टी होती है, माइनॉरिटी पे आग बगोला हो गए। अकलियत ही तो कहा है, कोई काफिर तो नहीं कह दिया, मुराद अली शाह ने बयान दोहरा दिया, ऑपोजिशन को फिर जाहिल कह दिया, बोले ये लोग अपनी तरमीम नहीं लाते सिर्फ शोर मचाते हैं। प्लैटिनम हीरे सोना चांदी जौहरियों ने सब छांट लिया, पीएसएल के सातवें एडिशन की ड्राफ्टिंग मुकम्मल, प्लैटिनम कैटेगरी में फखर जमान लाहौर के हुए, सुल्तान्स ने टिम डेविड, यूनाइटेड ने कॉलिन मनरो, किंग्स ने क्रिस जॉर्डन को चुना, जलमी ने हजरत अल्लाह जाजाजई, ग्लैडिएटर्स ने जेसन रॉय पर एतमाद किया, छोटे अकमल की वापसी, बड़े अकमल तनजुली पर नाराज, इवेंट छोड़ने का ऐलान, पेशावर जलमी ने मनाने का कह दिया।